जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु, तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश प्रभात समय सत्संगत दा समा असीं माण पा रहे हैं। गुरु हजूरी नूं माणदे हां, गुरबाणी कीर्तन आसा की वार दे रूप में संपूर्ण होया, प्रभात्री दीवाना दी अरदास होई, उपरंत अज दे गुरु हुकम गुरवाक असी सरवण कीते। हुण समा बनिया इना पावन गुरु बचना दी असी तकरीर करांगे, विचार करांगे। सो आओ मर्यादित ढंग दे नाल गुरवाकां दी तकरीर प्रारंभ करिए। सब तो पहला दास द्वारा बुलाई फतेह परवान होए, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये गुरु हुकम सूरठ की वार महला चौथा उदा हिस्सा है। वार रूप दे विच पौड़ी दी गिनती मुख रूप विच हुंदी है। सो पौड़ी गुरु रामदास महाराज जी की उच्चरित की है। इस पौड़ी के नाल दो श्लोक ने, दोनों गुरु अमरदास पातशाह तीसरे जामे च नानक जोत द्वारा उच्चरित किए गए हैं। पहले श्लोक तो विचार का आगाज करते हाँ। श्लोक महला तीजा, हस्ती सिर ज्यों अंकश है, अहरन ज्यों सिर दे, मंतन आगै राख कै ऊ भी सेव करे। गुरबाणी दे अंदर सानू आम मनुखां नूं गल समझाउण वास्ते गुरु बाबा जी ने बहुत सारे दृष्टांत, जिन्हां नूं इंग्लिश लैंग्वेज दे विच असीं मैटाफोर्स कहिंदे आ, ओ यूज कीते ने। उन्हां नूं जदों बड़े डिटेल्ड वे दे नाल असीं अंडरस्टैंड करन वास्ते एक्सप्लेनेशन विच लैके जाने हाँ, तो सानू चीज़ां आसानी नाल समझ आ जांदियां ने। हस्ती सिर ज्यों अंकुश है, हस्ती हाथी नूं कहा गया आ। हाथी दा रूप बड़ा दावान लिया, बड़ा वड्डा आया, बड़ा ताकतवर आ, ते हाथी नूं मस्ती नाल भी रिप्रजेंट किया जाता है कि मस्त रहिंदा आ, भाव वो केयर नहीं करता किसी की। एडा वड्डा शरीर आ, जे तुरदा आ चीज़ां नाल खह के तुरदा आ, दरखत बिरख जो राह चाहुंदा तोड़ देंदा। ताकत इन्नी कि अंदाज़ा ही कोई नहीं लाया जा सकता। शक्लो सूरत कुछ इस किस्म दी कि जो कोई दूरों वेखदा डर जांदा, मतलब एड्डी दामानल हस्ती उस रूप दे विच। ये फिर सिंबल कादा होया, मनुखी मन दा। जिहड़ा साडा ये मनवा आ, ये होर कुछ नहीं, हाथी है असल दे विच, मस्त, कोई केयर नहीं इसनो। ये अपनी धुन विच चलदा। अक्सर होया साडे अंदर ही साडा जिहड़ा अंतःकरण जिहनूं कहा जांदा आ, उहदे च किते विवेक आ, किते बुद्धि है, किते सुहज दीआं होर चिणगां ने, वह कुछ ना कुछ आले दुआले बुणदियां बुणतरां, पर मन किसी की पेश ना जान देंदा, वो अपनी धुन दे च अपनी मर्जी दे नाल। फिर यह भी है, हस्ती प्रतीक है शक्ति का, ताकत बहुत है, मन भी शक्ति है। गुरु बाबा जी ने लिटरली तौर पर बाणी च बचन लिखे ने, असी बचन पढ़ते हाँ, मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मनसा मिलिया ना कोए। एह मन शक्ति, एह मन सीओ, एह मन पंच तत् को जियो। एह मन शक्ति, एह मन सीओ, एह मन स्वाय शक्ति तो होर कुछ भी नहीं, ताकत। ते ताकत जिदा कोई अंदाजा नहीं लाया जा सकता। मतलब इतों तुर के बिल्डिंग तो बार कार तक जाना होए, ते सानू
टाइम लगेगा, सानू एनर्जी लगेगी, सानू सही डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी, असी तां जाके मैप करके पहुँचांगे उत्थों तक। मन ने पहुँचना होए देरी कोई नहीं, उदों ही है जदों उस कार बारे उत्थे सोच रहा एकदम उहदे बारे। किसी मुल्क किसी खिते किसी देश किते जाना आ, तन ने जाना आ, भाई टाइम भी चाहिदा आ, एनर्जी भी लगेगी, सब मन जदों मर्जी घूमे जिथे मर्जी जदों मर्जी तुरिया फिरे, है नहीं कमाल? ये सुधी शक्ति तो है, होर की है। हाँ जदों ये शक्ति बेकाबू है कोई पता नहीं की कर रही है, किस रूप में कितना नुकसान कर सकती है, आही मन शक्ति की अवस्था है। हाथी को बेतहाशा ताकत आ, पर हाथी की अलामत इतनी है कि जे वो शक्ति कंट्रोल विच नहीं है फिर हाथी हाथी उजाड़ का प्रतीक है। जिन्हें इलाके च हाथी होंदे ने उत्थे दरख्त टुटे मिलणगे, तुहानू बस्ती नहीं बस पाएगी, ये सब चीज़ां तुहानू दसणगियां। गुरु बाबा जी ने बाणी च लिखिया, बाबा जी कहिंदे हस्ती कुंडे बाहरा नित नित उजड़ पाहे। जिहड़े हाथी किसी कुंडे अधीन नहीं, अंकुश एक लोहे का पीस हुंदा है इस रूप दे विच गोल जे इस तरीके नाल, ते महावत ओ हाथे च अपने च फड़ के हाथी दे सिर ते बैठदा। जदों किते हाथी माड़ जा सज्जे खब्बे हुंदा उहदे सिर च खिच के मारदा ओ कुंडा, ओ जिहड़ा खास करके अंकुश आ उसकी सही डायरेक्शन रखदा, हाथी की शक्ति नू सही यूज करन विच इस्तेमाल करन विच मदद करदा। हाथी दे सिर तों कुंडा चक दिओ फिर की होएगा? बाबा जी कहिंदे सवाए उजाड़े तों कुछ भी नहीं। मन साडा जिहड़ा आ इह नेकी ते बदी दोनों दे प्रतीक है। नेकी असी फिजिकल साइड ते सोच भी नहीं सकते की कुछ कमा सकते हैं असी नेकी दे विच, पर मन कमाउण थोड़ा दिंदा है, मन ते स्तन दा भी भला नहीं होण दिंदा। होर ते गल ही छड्डो, साढ़े अंदरों ईवन फिजिकल केयर वास्ते तुसीं जिम जाना आ, तुसीं कुछ एक्सरसाइज करनी है, तुसीं कोई फूड चेंजेस कर लैके आने ने, तुसीं कोई लाइफ स्टाइल नूं बदलना आ, मन कित्थे मनदा है? मन तैयार ही नहीं हुंदा, साढ़े अंदर इच्छा शक्ति नहीं पैदा होण दिंदा। बंदे की बुद्धि कई बार उन्हूं कल्पन तक जाती विलकदी भी क्यों नहीं यह करता, जो सही है पता है आ चीज़ होनी चाहिए है, मन नहीं मनता। बाहर से की भला कराएगा? बाहर तो पूरा ग्राउंड बनया हों कि कुछ परोपकारता का कार्य कर, कुछ मन कहता फॉरगेट अबाउट इट, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। इस दे ऑपोजिट बदी, हाँ बदी चाह के हर वक्त बदी ने नाल ही इन्हें दो चार होना ये रूप है। गुरु बाबा जी ने मन मन दिया हाथी दिया बड़िया मसाला दतियां ने, कि क्या तीर्थ बरत अरदान कर मन में तरै गोमान, नानक निफल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। कुंचर हाथी नू कहिंदा, गज भी हाथी नू, कुंचर भी हाथी नू कहा गया, हस्ती भी हाथी वास्ते प्रयोग किया गया, मैगल वह भी हाथी लिए प्रयोग किया गया। कई समानार्थी बिल्कुल प्रायवाची सिनोनिम्स जिहड़े हुंदे ने उस सेम अर्थां च लफज यूज किए ने। क्या गया कि मन की हालत हाथी वर्गी है, हाथी की हालत, हाँ महावत ना उसनों पानी के वड्डे सोमे दे विच तलाब विच लै जांदा, लेक वगैरह दे विच नवाउंदा, उहनूं मल मल के नवाउंदा, कहिंदा इहदी सारी मैल ला देनी है, ला दिंदा सारी मैल उहदी, चलो मैल लै गई साफ हो गया। बाहर निकलिया, निकलदिया नाल सब तो पहला काम हाथी ने किया अपनी सुंड दे विच बहुत सारी मिट्टी चक्की, इस तरीके अपने उत्ते सट ली लिटरली तौर पर। रीजन क्योंकि जो असी अज दे बायोलॉजिकल वर्ल्ड नूं पढ़ते हैं नॉलेज उस पास्यो लैंदे हां तो पता लगता है हाथी की जिहड़ी स्किन आ वह कुदरती तौर पर एवें दी बनी है कि जो बिल्कुल क्लीन होएगी तो उहदे उत्ते सूरज दीआं जिहड़ियां किरणां पैंदियां ने चिमका मारनगियां, इस करके उत्ते मैल की लेयर होनी चाहिए है मिट्टी। ये सच्चाई है, जदों
मनुखी मन दे विच किते सुरत्याबता आउंदी है, मन उन्हों बर्दाश्त नहीं कर सकता। मन होर कुछ ना होए ते घट तो घट हंकार की मैल ते चाहीदी है, इन्नी किते चाहीदी है। बाबा जी ने उहदी गल कीती, बाबा जी कहिंदे तीरथ बरत अरदान कर कर लिया, हुण करना की है? मन में धरै गुमान, गुमान ते आएगा ना भी, है ना, हाउ गुड एम आई, कैन यू इमेजिन हाउ मैनी गुड थिंग्स आई एम डूइंग। ओहो, कहने लगे इस तरह ही है जिवें वो हाथी जेड़ा मतलब नहा के बाहर कढ़े आया, तो वह बाहर कढ़दिया नाल ही बस एग्जैक्टली उस रूप में मिट्टी च लबेड़ लबेड़ जाता। हाँ, जिन्हां दे उत्ते महावत ने बैठना हुंदा, जिन्हां हाथियां दे उत्ते, उन्हां नूं जदों बाहर भी कढ़दे ने पानी तो नहा के कुंडा उत्ते रख के, वह मिट्टी नहीं सट्टण दिंदे आपदे उत्ते अपने उत्ते। वह कहिंदे ना बड़ी मुश्किल नाल नहाया आ, हुण इह कम नहीं होएगा, इत्थे कुंडे की लोड़ आ, इत्थे अंकुश की लोड़ आ। इस करके साहब ने कहा अंकुश चाहीदा आ। फिर बिनती करांगा, बाणी पढ़नी सुननी सत्संगत करना, ये कोई मतलब ये नहीं हैगा कि जस्ट एक जस्ट फन टास्क आया जो क्या, ये बड़ा सीरियस काम है। तो मन इतों भजाउंदा आ, मन कहिंदा ये नहीं करना। उबासीनता बंदे च बहुत आउंदी जदों बंदा इस पासे लगदा आ, पर इस तरह ही है जिवें हाथी, हाथी क्यों चाहेगा कुंडा मेरे सिर ते रखिया जाए, क्यों मैनू अपने कंट्रोल च लिया जाए। गुरु बाबा जी कहिंदे जे किते ओ कंट्रोल च आ जाए, जे किते कुछ जीवन दा डिसिपलिन ते शब्द दा डिसिपलिन सब तो औखा आ, क्योंकि इन्हें मन दे विच जा के साडे मन दीआं तारावां नूं बदलना है। एक बचन होर लै लैणे बाणी चों, बाबा जी ने एक जगह बयान किया, कहिंदे कि कबीर चोट सुहेली सेल की लागत ले उसास, चोट सुहेली सेल की, बरछा हुंदा ना जिहड़ा लम्मी इस तरीके नाल स्टिक हुंदी, डांग हुंदी है, ते उहदे अगे शार्पन एज लोहे दा पार्ट लगा हुंदा इस तरीके दे नाल, उसनू कहा जांदा है बरछे दी चोट। भई ये ते बड़ी गहरी है, ते लगदे ते जान निकल जाती है बंदे की, मौत हो जाएगी। बाबा कबीर जी कहिंदे ये मुकाबलतन एक होर चीज़ दे बहुत वधिया आ, सौखी है ये, चोट सहारी जा सकती है। बाबा कबीर जी सोचा भी नहीं जा सकता, ये तो कितने माड़ा जहा एवें लग जाए तो उहदे नाल इन्नी पेन हुंदी, पीड़ा हुंदी। तुसीं कहिंदे हो भी चोट सुहेली सेल की, ये सुहेली चोट आ, लागत ले उसास, कितने जोर ला कोई बरछा वगैरह कहते दिल च उतार देवे लगते ही मौत हो जाएगी। ये तो बाबा कबीर कहते सौखा काम है। मुकाबलतन चोट सुहारे शब्द की, तास गुरु मैं दास, जिहड़ी शब्द की चोट आ ये सहनी तो बड़ी औखी है, क्योंकि शब्द दे कहिंदा आ तू मरना आ पर ज्यौंदे जी मरना आ, मरना आ माड़े पास्यों, मरना है माड़िया सोचा विचों, मरना है वकारा विचों, ये सारिया चीज़ा मर जानिया ने फिर तू जिउंदे रहना। शब्द मरो फिर जीवो सद ही, शब्द नाल मरना तो सदीव काली जीवन लैके आना। यह है महावत हाथी नू मारदा, पर मारदा उहदे प्राण कढ़न लई नहीं, प्राणा तो मैं कितने वड्डी पेन दिंदा उहनू, इस करके क्योंकि उहदा मुल पाउणा आ, उहदी शक्ति नू इस्तेमाल करना, उहदी शक्ति नू सही डायरेक्शन च लैके जाना है। भारतीय खिते च जिन्हां इलाकों च बड़ी उच्चे नीवे इलाके ने, जंगल बहुत है, जिवें आसाम का बहुत सारा इलाका, सिक्किम का, मेघालय का, उपरले इलाके जिहड़े सारे सारे हिमालयन दे उस पासे दे इलाके पैंदे ने, जिथे वैदर मोस्टली ट्रॉपिकल आ, उच्चा आ, मीह बड़ा पैंदा आ, उत्थे अक्सर सड़कां वगैरह इन्हां दी, हुण ते थोड़ी बहुती फिर भी आवाजाई है, पुराने समय तो कुछ भी नहीं सी हुंदा, पर लोग रहिंदे सी, बड़ियां बस्तियां वसियां उत्थे, बड़ा लोकां दा रहन सहन है उत्थे। फिर लोग किवें रहिंदे, उन्हां दी सारियां जिहड़ियां लॉजिस्टिक्स नीड्स ने, हाउ दे एड्रेस दोज नीड्स, हाथी ट्रांसपोर्टेशन वास्ते सब तो बेस्ट जरिया उन्हां दी हाथी।
पूरे का पूरा समान लद के उत्ते जिधर नूं मर्जी उह तुरे फिरदे ने उस रूप दे विच, क्योंकि एडा वड्डा जानवर आ, इन्ना ताकतवर आ, उच्ची नीवी थां ते चढ़दिआं परवाह ही नहीं करता। जो देखिया जाए ये जिहड़ा मन आ साडा, जे किते इहदे उत्ते असीं सही ढंग दे नाल विचारां दे जरिए कंट्रोल करना सीख ली, शब्द दे जरिए ये मन जिहड़ी साडी अंदर दी दुनिया दे विच सुख दी शांति दी चढ़दी कला दी ढोआ ढवाई करेगा, सानू कोई आइडिया ही नहीं है। मन डोलन ही नहीं देगा, हाथी डोलता थोड़ा, फिर हाथी डिगदा थोड़ा। फिर गुरु बाबा जी ने कहा, हस्ती सिर ज्यों अंकुश है, अंकुश एवें रख जिवें हाथी दे सिर दे उत्ते कुंडा रखिया जांदा है। अगला बचन है अहरन ज्यों सिर दे, अहरन पीस ऑफ आयरन एनविल कहिंदे इसनूं, जिहदे उत्ते स्मिथ्स जिहड़े हैगे ने, जिहड़े आयरन स्मिथ्स हुंदे ने, उह कम करके ते उह चीज़ां नूं बणाउंदे, लोहार कहिंदे आ असीं। लोहे दा पीस हुंदा ते उहदे उत्ते उह सारियां चीज़ां बणाउंदे। वह जिहड़ी एनविल है इतनी ज़्यादा वह कह लो कि स्टेबल हुंदी है, कि माड़ी जी भी सज्जे खब्बे नहीं हुंदी, कसूत भी ना सज्जे ना खब्बे, उहदे उत्ते रख के जिन्ना मर्जी कुट्टो जिहड़ी मर्जी चीज़ बनाओ बिल्कुल सॉलिड रहिंदी है। जिहड़ी मत दा तसव्वुर आ, मन साडी मत नूं बहुत प्रभावित करदा आ, इहना मत नूं अपने पिछे ला लैंदा, जो सानू नहीं सोचना चाहिदा, जिस तरीके नाल सानू दलीलां नहीं अंदर घड़नियां चाहीदियां, मन मत नूं उहनां दलीलां नूं घड़न दे वास्ते बना लैंदा। जिवें गुरु बाबा जी बयान करदे ना कि नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत, सुचेत अवेयर होना यह तो बड़ी चंगी गल आ, पर जिहड़ी अवेयरनैस आ यह भी एक सर्टन लैवल दी हुंदी है। सपोज अज की दुनिया ये हर चीज़ा बड़े सोहने ढंग समझ आ रही हैं, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया चाहिए सानू ताकि असी हैल्दी रह सकी, जे बैड बैक्टीरिया बीमार करेगा सानू, पर यह भी सच है जो गुड बैक्टीरिया लगातार साढ़े आले दुआले रहेगा, जो बैड बैक्टीरिया हैगा उहदे नाल उह लड़ेगा, तुहानू मार देगा, उहनू खत्म कर देगा। जिहड़ी विचारां दी दुनिया आ इहदे विच सुचेत ते होइए, पर इतना कु सुचेत हो जाए बंदा, मतलब लॉजिक नूं अपनी सैल्फ इंप्रूवमेंट वास्ते यूज़ करो, अपनी बैटरमेंट वास्ते यूज़ करो, पर लॉजिक दा मायना, जे सपोज एक माँ बच्चे नूं कहिंदी पुत स्कूल जाया कर, वो कहिंदा उहदे नाल की हो जाएगा, पढ़ाई होएगी उहदे नाल की हो जाएगा, तू फिर बहुत एजुकेशन ले लेगा उहदे नाल की होएगा, तू वड्डा होएगा तेनू जॉब मिलेगी उहदे नाल की होएगा, यू गोना हैव मनी उहदे नाल की होएगा, मनी यू गोना हैव लॉट ऑफ मनी दैन यू गोना हैव गुड लाइफ उहदे नाल की होएगा, यू गोना एक्चुअली बी इन पीस एंड रेस्ट एंड उस तरीके नाल तू बड़ा आराम नाल जिंदगी जिएगा, वो कहिंदा सो वट, वो हुण भी तो जी जा सकती विदाउट मनी, I don't have any actually hassles, I don't have to go school, ये सब चीज़ा मेन लॉजिक नू बिल्कुल ऑपोजिट साइड ते इस्तेमाल कर लिया, एहो जी सुचेतता, एहो जी अवेयरनैस, एहो जी दलील की सवारेगी साडा। मत जिहड़ी है वो मन दे आखे ना लग के कुछ चीज़ां नू अडॉप्ट करे, जिवें अहरन आ उते चोटां पैंदियां, पर अहरन कहिंदी मेरा तो कुछ नहीं सवरदा इहदे नाल, ये तो सवरदा किसी होर दा, मैं तो चोटा ही खा रही हूँ बस इस रूप दे विच। हाँ, ये चोटा खाना ही किसी रूप दे विच तेरा अपना आपा रूप जिहड़ा सवर जाण वाली बात है, तेरा सही यूज हो रहा है। मत उतनी की बात होए जिहड़ी साडी मन नूं डायरेक्शन देवे, ना कि मत मन दे मगर लग के साडे जीवन की डायरेक्शन खराब कर दे। गुरु बाबा जी कहिंदे अहरन ज्यों सिर दे मन तन आगै राख कै ऊ भी सेव करे, ऊ भी सेव सिर सट के सेवा करनी, बिल्कुल किसी चीज़ के उत्ते ना नुकर करनी ही नहीं। मैं सूफिया नूं पढ़दा, एक जगह शेख सादी ने एक बड़ा खूबसूरत बोल लिखिया, वो कहिंदा एक संगीत सिखाण वाला उस्ताद आ, दुनिया दियां वक्रियां वक्रियां कलावां
सीखनियाँ हार्ड ने, तालीम लैनी हार्ड है, तालीम तपस्या आ जिहड़ी एजुकेशन आ, इस तो वड्डा तप कोई नहीं गा। पर कहिंदे ने सब तो कठिन तप संगीत सीखना है, क्योंकि ये इहदे नाल तुसी अपनी आवाज़ नूं किसे वड्डे लैवल ते सुर विच ले जाणा हुंदा है। जीवन नूं सॉलिड लाइफ नूं इहनूं ही डिसिप्लिन करना हार्ड आ, पर जिहड़ी आवाज़ आ इसनूं किसे वड्डे मतलब उस डिसिप्लिन दे विच उकेरना ते बहुत तपस्या वड्डी। खैर जिक्र आया, वो कहिंदे कि एक संगीत सिखाउण वाला उस्ताद आ ते उहदे कोल तीन तरह के शागिरद आ रहे हैं। एक शागिरद वो है जिहड़ा किसी संगीत घराने च ही पैदा होया, बचपन तो काफ़ी उन्हें आर संगीत सुनिया आ तो उसनों दे बेसिक्स का पूरा पता आया, ठीक है जी। वो दूसरा वो आ जिहड़ा काफ़ी समार्ट आ, काफ़ी तेज आ, बस एक बार दसन की चीज़ नू दे रहा तो बस राइट वे ग्रिप कर जाता है, मतलब एक्सट्राऑर्डिनरी समार्ट आ। तीसरा हो या ना किसी संगीत घराने पैदा होया, ना एक तरीके इन्ना एक्सट्राऑर्डिनरी समार्ट है एक बार दसो तो चीज़ पकड़ लेंदा, पर हाँ एक चीज़ पक्की है उहदी, वह एक बारी गल कहोगे उसनू बस एज इट इज़ ही फॉलो करेगा, सज्जे तो खब्बे नहीं जाएगा, ना नुक्कर नहीं। उस्ताद की गल उहदे वास्ते बस दुनिया का आखिरी संदेश आ। वो कहिंदा इन्हां तिन्नां दे विच्चों किहदे चंगे रूप विच संगीत सीखण की पॉसिबिलिटी है, वो कहिंदा थर्ड वन। पहले दोनों हालांकि लगता यह है कि जिहदे कोल संगीत की ऑलरेडी नॉलेज आ, घर चो संगीत का पैदा होया वो तो जल्दी सीख जाएगा, कहिंदा नहीं। जिहड़ा दूसरा आया जिहड़ा बड़ा ऑर्डिनरी एक्सट्रा ऑर्डिनरी समार्ट है, कहिंदा बिल्कुल नहीं, उहदी समार्टनेस मारेगी उसनू। जिहड़ा तीसरा आया, हाँ डेडिकेशन, जिहड़ी इह डिवोशन की गल हुंदी है, कहिंदे ने डिवोशन कम्स आफ्टर डेडिकेशन, इह ते समर्पण विचों निकलदा आ। जो कहता एक बारी बस उन्हें मन लिया। मैं कई बार एग्जाम्पल करदा जिवें कराटे किड्स मूवी है बच्चों की, वैसे वो दोनों वर्जन बड़े कमाल दे ने उन्होंने जिहड़े बनाए ने, पर पिड़ा पहले वाला आ वो बच्चा आया तो उहदी बुलिंग होंदी है, सिंगल मॉम पाल रही है उसनों, तो बिहेवियर भी उहदी प्रॉब्लम है अपनी, क्योंकि वह एकदम दूजियां नूं वेखदा तो उन्हां दा इनफ्लुएंस रोंग साइड तो लै लैंदा कि आई वॉन्ट टू बी लाइक दैम, बट उहदे च इन्नी एबिलिटी है नहीं कि बनन दी, शरीर कमज़ोर आ, डरदा भी है, पर चाहुंदा है कि मैं उस किस्म दे नाल नोटीरियस होवां, सब चीज़ां होण, करनी पौंदा, अल्टीमेटली बुलिंग हुंदी है। एक जगह तो उहनूं कुछ पकड़ के न्याणे कुटदे ने, तो एक बुजुर्ग उन्हां नूं आके छडाउंदा है, आपने देखी होएगी, तो पता लगता कि बुजुर्ग कराटे मास्टर आ, तो वह कहिंदा ठीक है, उहनूं कहिंदा मैं तैनूं ना कराटे सिखावांगा, वह बड़ा खुश हुंदा है, कहिंदा गल बन गई, आ तो सुपना सी मेरा, दैन आई एम गोना हैव दैट काइंड ऑफ स्किल, तो मैं फिर ना कुटांगा सारिआं नूं। मीन मतलब उस सेम वे नाल वापस पे बैक करना चाहुंदा उन्हां नूं, हालांकि चाहिदा तो यह है कि इस तरह का बिहेवियर किसी नाल भी ना होए। हुण उस्ताद है, वह समझदा इस गल नूं, अल्टीमेटली की हुंदा, उहनूं बुलाउंदा, बुलाउंदा तो वेखदा कि इहदे बिहेवियर च कालापन है, इंपल्सिव है, बस एकदम लै के फटाफट मैं अपना उस रूप विच नहीं, इसनों बहुत सैल्फ कंट्रोल की लोड़ है। असी कई बार की चाहते हाँ सारे कासे नूं आले दुआले असी कंट्रोल कर लईए, साढ़े कोल ते अपना कंट्रोल नहीं हैगा, असी बाहर कंट्रोल की करांगे, वी नीड सैल्फ कंट्रोल, बाकी तो मदर नेचर ने सब कंट्रोल च रख्या है। वट मदर नेचर हैज़ गिवन अस दैट इज यू कैन डू सम सोर्ट ऑफ कंट्रोल विद योर सैल्फ, उत्थे सी फेल हो जाने हैं, उन्हें कहनो सेल्फ कंट्रोल चाहिए। ये बहुत बड़ी यही तपस्या है, यही ऊब ही सेव करे सिर सट के चीज़ां नू बिल्कुल। वे असी इत्थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का देख रहे हैं ना अजकल, जिहड़ा फ्रॉड की बड़ी गल हो रही है सारी सारे रूप दे विच, हाँ इहदे च बहुत सारियां चीज़ां साढ़े DNA दे नाल आ रही हैं,
एक चीज़ जिहड़ी साडे नाल आ रही है वह हैगी है कालापन, शॉर्टकट, जस्ट जो मैं चाहना वा किसी ढंग एक बारी मिल जाए बस, सही है गलत है हू केयर। यदा लोंग रन दे जिहड़ा फिर खामियाजा होंदा है वह बहुत ज़्यादा है, तुहाडे सामने आ। इसलिए चीज़ां नू प्रॉपर चैनल जाना हो, प्रॉपर चैनल जाना है उत्ते फिर तपस्या है, बड़ा वड्डा कार्ज है। बाबा जी कहिंदे यही करना है। वो बच्चा सीखने वास्ते आया, उस्ताद कहिंदा सिखा देना वा, पर उन्हें देखिया इंपल्सिव है, पहला बिहेवियर ठीक करना है, वो काम ज़्यादा औखा है। सैल्फ कंट्रोल आएगा तां ही अपने हत्थां पैर दे कंट्रोल कर पाएगा, अदरवाइज ते कालापन पै जाएगा इहदे च। वो कहिंदा कोई ना सिखाउने आ, चल तू कार दो। वो बड़ा औखा हों, अच्छा मैं कार धोन से लाता ये कोई। हालांकि चीज़ा ये ने साढ़े बहुत दानिशमंद स्कॉलर प्रोफेसर से यूनिवर्सिटी के कहें, हर एक आर्ट एक दूसरी नाल जुड़ी हुई है, हर एक स्किल एक दूसरे नाल जुड़ी हुई है। जे बंदे ने स्किल लर्न करनी है, नैवर नो कि स्किल लर्न करते तो किस तरीके की स्किल तुहाडी जिहड़ी है वह इंप्रूव हो जाए, यू हैव नो आइडिया। वो बयान करते कहिंदे मेरे रिश्तेदारों का बच्चा बड़ी मुश्किल नाल उन्हूं पॉलिश वगैरह करके इतने बी टैक तक लिया, बी टैक दे पहले साल दे पहले सेमेस्टर च ही फेल हो गया। तो कहिंदे मैं उन्हूं कोल बुलाया, गल्लां बातां कीतियां, मैनूं पता लगा ब्रेन की एबिलिटी हैगी है, पर समहाओ वो कहिंदा मेरा चेत ही नहीं लगता, मैं पढ़ नहीं पाउंदा, किताब खोलदा पूरी पढ़ जाना एक अक्खर नहीं कपले पैंदा, बड़ा तंग आ। कहिंदा अच्छा, कोई दो चार गल्लां होर उहदे नाल सुणियां। समहाओ कहिंदे असीं ना उहदे जिहड़ी हैगी है पोकर गेम जिहड़ी हुंदी इहदे बारे गल्लां करनियां शुरू करतियां, माइंड ब्लोइंग। उहने कहिंदे सारी उहदी हिस्टरी ते सारा कुछ मेरे सामने बयान कर दिता, ते कैसे कैसे उहने टिप्स दित्ते। मैं क्या गल बन गई, इहनू यूज़ करदे हुण इहनू साइंस पढ़ाउण वास्ते। कहिंदे उस स्किल दे जरिए उसकी जिहड़ी है फिजिक्स ते मैथ नू इंप्रूव कीता। कहिंदे तुसीं बिलीव करोगे, मुड़ के उह साल क बाद ही कहिंदा है, कहिंदा आई हैव नो आइडिया कि मैं मैथ च इन्ना वधिया होवांगा। हाँ, क्योंकि तैनू एहसास नहीं, तेरी स्किल आ, बस उसनू थोड़ा ट्विस्ट ही करना है। वो जदों कार क्लीन करवाउंदा तो फटाफट एवें करता, कहिंदा नहीं नहीं एवें नहीं करना, कहिंदा आराम नाल इहनू कोई रब करना है, इहनू कोई किसी रूप दे विच डेंट थोड़ा पाउणे, खराब थोड़ा करना है, तू ना इस तरीके नाल कर, एवें एवें कपड़ा कमा उहदे उत्ते कार दे उत्ते। वो फिर एन प्रॉपरली एवें एवें करता, तो जो जान लगता बड़ा दुखी होंदा भी मैं कराटे सीखने लिए आया सीगा ते मैनू इसने कार धोण ते ला दिता, दस वेस्टेज ऑफ होल डे, इट्स बैड थिंग। बड़ा बड़ा दुखी जहा हो के, तू आपने देखा होगा उन्होंने कहिंदा, कहिंदा तू पहला लैसन बहुत वधिया लर्न कर लिया, वो कहिंदा भी लाई ना कर लैसन, तो आप गए नहीं रेंगे, तो आप गए नहीं, आप घर का काम ही कराने सारा कुछ। वो कहिंदा नहीं नहीं तेन कोई आइडिया नहीं है, देख इधर आ मूव, कराटे का मूव है असल है। ऊ भी सेव गुरु जिमें सानू सिखाउंदा, सानू कोई आइडिया नहीं है। साढ़े अमेरिकन स्कॉलर ने किताब लिखी है 5 AM क्लब, उसने जिन्हें बड़े कामयाब जीवन च बिजनेस साइड तो हुए लोग उन्होंने इंटरव्यू किया, इंटरव्यू किया उन्होंने कुछ सिमिलरिटीज देखिया मोस्टली दे विच, उन्होंने सिमिलरिटीज दे विच एक सिमिलरिटी ये भी दिसी, ऑल ऑफ दैम आर अर्ली बर्ड्स, दे लैफ्ट देयर एक्चुअली बैड अर्ली इन द मॉर्निंग। हुण गुरु सतगुर का जो सिख खाए भलके उठ हर नाम ते आए, जिहड़ा गुरु का सिख है उहदी पहली ड्यूटी यह है चढ़दी प्रभात बिस्तरे का त्याग करे। देखो गुरु की सिखा रहा है, फिर यह भी लंबी चीज, मोस्टली दे डू मैडिटेशन, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार ऊ भी सेव करे सिर सट के। जे लॉजिक रैशनल साइड की सोची जाएंगे ना सज्जे खब्बे भी नहीं नहीं नहीं, मैनू पहला कन्वेंस करो कि दिस एक्सरसाइज गोना हैल्प मी, भाई देर आर फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू फॉलो, द रिजल्ट्स विच गोना कम आफ्टर एक्चुअली डूइंग दोज एक्सरसाइजेस दे गोना कन्वेंस यू।
ਇਹ ਰੂਪ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖੈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀ ਹੈ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਲੈਨ ਆ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਹੋਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਨਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਨਰ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਗੁਨਾ ਐਕਚੁਲੀ ਲੀਡ ਦਾ ਹੋਸ ਹਾਊਲਡ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਹੋਲ ਹੋਲ ਸ਼ੋ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਨੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਪੇਇੰਗ ਏਅਰ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯੂ ਗੋ ਨਾ ਪੇ ਬਟ ਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਚੁਲੀ ਆਈ ਐਮ ਗੋ ਨਾ ਬਾਏ ਵਿਦ ਮਾਈ ਓਨ ਵਿਸ਼ਿਸ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਂਗਾ ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜੱਗ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਟ ਮਨ ਜੀਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀ ਹੈ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਸਕਣਾ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਮਾਨ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਿਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੀਐ ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਕਹਿ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬੁੱਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਨਡੀਡ ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨ ਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ਾ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਸਟ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾ ਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਉਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੁੱਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਫ ਵੀ ਅਲਾਓ ਆਵਰ ਸੈਲਸ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਗੁਰੂਜ਼ ਟੀਚਿੰਗਸ ਫਲੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਆ, ਇਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ, ਸੁਣੋਗੇ, ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੀਐ ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਇਆ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਮੀਨਿੰਗਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਕੁਝ ਐਫਰਟ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈ ਆਮ ਹੇਅਰ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਹਾਂ
But there must be, if we are in this world, we are living our life over here. That means असी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस कंट्रीब्यूशन का सानू माण होना चाहिए। ये समझ गुरु आशे के मुताबिक पढ़दे हैं सुनदे हैं जीवन नू महाराज कहते आ जाती है, फिर जीवन मीनिंगफुल वे नाल जिया जाता। जिन गुरमुख नाम ते आया, यही नाम नू ते आना आ, आए ते प्रवान, वह प्रवान होंदे ने। नानक कुल उधार है अपना, अंदर गए पावे माण, कुल उधार है अपना। बंदे का अपना उधार हो जाए तो नहीं बड़ा है, पर कुल उधार है अपने आपे तो उपर उठ के आले दुआले का उधार सुधार करता है। इस तरह जानिए परिवार, मैं पहले बेनती की वैल्यूज नाल चलते ने, पर हों जो वैल्यू स्ट्रक्चर टुटता फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगी, डिस्ट्रैक्शन आती, तो फिर कल्ले का नुकसान नहीं करती, पूरे दे पूरे परिवार। वैस्टर्न वर्ल्ड दे विच असी बहुत ज़्यादा रैशनलिस्टिक हो के जो चलना शुरू किया तो बहुत सारिया चीज़ा उस डिसिप्लिनरी लैवल पर टुट गई, वैसिया टुटिया कि साढ़े दुनिया पद्धर तो है चीज़ा वैसे, पर टोरंटो दे विच होमलैस जिहड़े इशूज़ ने उसकी एमरजेंसी डिकलेयर की है लास्ट मंथ साड़ी काउंसल ने। इत होमलैस एडा वड्डा शहर आ, घर ते घर बने पे ने चार चपेरे, होमलैस हाउ कम? ये बिल्डिंगा की कमी करके नहीं है, क्यों आ? ये सिकनेस आ। जे कितने रहना आ तो किसी डिसिपलिन च रहना पेगा, वो डिसिप्लिन नहीं फॉलो करना होंदा, वो शैल्टर च लैके जाते, वो शैल्टर प्रोवाइड करते फिर छड़ देंगे, क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं फॉलो करना होंदा। कौन नहीं चाहता मैनू कोई प्यार करने वाला होए? कौन नहीं चाहता मैं किसी नू प्यार करा उस रूप दे च? पर ये जाच है सारी। बाबा जी इत्थों तक बयान करते जिहड़ा धरती ते प्यार दी डेमोस्ट्रेशन करनी है, ये कुछ होर नहीं, रब नू पाउणा आ। साच कहो सुन लिहो सभै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रभु इहदे विच ही है। इस करके बाबा जी ने कहा सीगा, जे कोई वाकई च जीवन जीना सिख लवे अपना ते की कुल उधार है अपना, अपने सारे पूरे कलैन की जिहड़ी हैगी उह सैलवेशन हो करा सकदा। दरगह भावें माण पौड़ी, गुरमुख सखियां सिख गुरु मेलाइया, जिन्होंने गुरु तरस करता वो एक नवे भाईचारे दे विच एक सिख सखियां बन के पाव, एक दूसरे दे मददगार हो के स्पिरिचुअल साइड तो वो एक दूसरे नू सिखिया देंदे, एक दूजे नू जीवन की उसारी वास्ते मदद करते हुए अगे वधदे। एक सेवक गुरपास, एक गुरकारे लाइया, ये भी सूहज आ। जदों अध्यात्मी तल स्पिरिचुअल साइड से बंदे नू कुछ इनलाइटमेंट होंदी है, जजमेंटल नहीं रहिंदा, फिर वो शुक्रगुजार हुंदा है, उन्हों अपनी जड़ी है उन्हें लगता मैं सही पासे अपनी इस एनर्जी नू इनवेस्ट करना। पर जे कितें दूसरे लोग उस ढंग नाल नहीं भी कर रहे, उन्हें जज करके रिजैक्ट नहीं करता, बल्कि उन्हां वास्ते अरदास करता है, मालक इन्हां नू भी सही डायरेक्शन दई, क्योंकि ये किसी कार च लगे ने, तेरे हुक्म विच ही है, पर तरस कर जे मैनू सेवक बनाए इन्हों भी बनाई। इस किस्म की प्रवृत्ति आती है वे, जिन्हें गुर प्यारा मन चित तिना भाव गुरु देवाइया, जिन्हों के मन में चित गुरु आवासता उन्होंने सच्चा भाव मिल जाता, सच्ची प्रीत का राह मिल जाता। गुरसिखा एको प्यार गुरमित्तां पुत्तां भाइया, जिहड़े इस वड्डे रब्बी परिवार को समझते तुरे लगे जाते हैं गुरु आशे मुताबक, उन्हें जिहड़ियां भाईचारक सांझां ने एक फिर कल्ले परिवार तक नहीं सीमित रहिंदियां, वो संसार तक पहुँच जांदियां ने। गुरु सतगुरु बोलो सब गुरु आह गुरु जीवाइयां, आओ सारे मिलके वाहिगुरु करिए, सतगुरु सतगुरु करिए, गुरु कूकीए, क्योंकि ये साडा सुधार होएगा। गुरु बाबा जी सानू गुरु आशे की इंपोर्टेंस वो महत्ता वो समझा रहे ने, इनिया क बिनतियां नाल खिमा चाहांगा, भुलां गलतियां ना चतारनियां, सब प्रेम आवाज़ दे के कहना जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।